नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कल्याणपुर थाने की पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गए आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी पहले भी कई वारदातों का अंजाम दे चुका है। आपको बता दें कि मामला कल्याणपुर थाने का है, जहां से आरोपी किशोरी को भगाकर ले गया था। आरोपी संजय यादव को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर किशोरी को भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी की पत्नी ने बताया कि उसका पति संजय यादव लड़कियों को बहला फुसलाकर मुंबई में ले जाकर गलत काम करवाता है। पत्नी का आरोप है कि संजय यादव कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। एसीपी कल्याणपुर दिनेश शुक्ला ने बताया कि कल्याणपुर सीटीएस बस्ती निवासी 16 साल की किशोरी 20 अप्रैल 2021 को संदिग्ध हालत में लापता हो गई थी। किशोरी की मां ने सदरपुर कोतवाली गुरसहायगंज कन्नौज निवासी संजय यादव उर्फ कल्लू, उसके भाई विपिन, राजीव और पिता मुन्नू यादव पर किडनैपिंग का आरोप लगाया था। मामले की जांच कर रही कल्याणपुर पुलिस ने 14 महीने बाद किशोरी को मुंबई से बरामद कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी संजय यादव उर्फ कल्लू को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। किशोरी ने बताया कि आरोपी संजय यादव ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाकर गुमराह किया था, इसके चलते वो झांसे में आ गई और उसे आरोपी अगवा कर ले गया। मुंबई में उसे एक मकान में रखा गया और उसका शारीरिक शोषण किया गया। विरोध करने पर मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि इससे पहले भी आरोपी कई लड़कियों को गुमराह कर चुका है। कानपुर से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कुसुम जी, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। 2011 में हुई थी मेरी शादी, 5 फरवरी को। शादी के एक साल तक संजय यादव, मेरे हस्बैंड का नाम है संजय यादव, बहुत अच्छे से मतलब चलते रहे। एक साल बाद इनके कारनामे मुझे पता चले कि लड़कियों के साथ काफ़ी धंधा करवाते हैं, और इन्होंने गांव में भी रहे, गांव में भी लड़कियों के साथ एक लड़की से काफ़ी बलात्कार इन्होंने किया। बस मेरे पास उसके प्रूफ नहीं है, मेरे पास बस मैंने देखा है आँखों से, कुछ लोगों ने बताया मुझे, लोगों के जरिए पता चला मुझे। मैंने इनके फ़ोन में रात में 3 बजे उठ के मैंने इनके फ़ोन में सब चीज़ें देखी कि लड़कियों की फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी ये भेजते हैं, मतलब उससे मुझे पता चला काफ़ी लड़की कांटेक्ट हैं और कुछ इनके दोस्तों के भी कांटेक्ट हैं। उसमें मैंने देखा कि यहाँ से मतलब कानपुर से लड़कियों को मुंबई में साथ मिले जाते हैं, बहुत लड़कियों की दलाली भी इन्होंने करवाई है। जी जी सर, वहाँ पे काफ़ी लड़कियों को पता नहीं सर क्या किया है बेचा, मुझे नहीं पता क्या किया है इन्होंने। ये कि ये अभी जिस लड़की को 8वीं लड़की को ये लेके गए हैं सर, उसके साथ भी बहुत बुरा कांड वो किया है, उसके शादी भी इन्होंने रचाई सर। लड़कियों को सर ये सर पैसों की लालच में झांसे में फंसा लेते हैं सबको, और सबको मुंबई ले जाते हैं, वहाँ सबको धंधा करवाते हैं सर। हम चाहते हैं सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर, मुझे हक मिले, मेरी बेटी को हक मिले, मेरी 11 साल की बेटी सर, बेटी भी एक। जी सर, मेरी 11 साल की बेटी है सर। आपसे सर निवेदन है सर, आपके हाथ जोड़ के सर प्रार्थना है सर, इसको सर ज़्यादा से ज़्यादा इसको सज़ा मिले सर, इसको बिल्कुल छूटने नहीं देना चाहिए सर, क्योंकि सर बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है सर। हम नहीं चाहते हैं सर और किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो सर, आपसे सर प्रार्थना है सर आपसे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।